राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ प्लांट लगाने जा रहा हूँ। मैं अपराजिता लेके आया था, अपराजिता की सीट लगाई थी तो उग आई है, तो उसको मैं इस गमले में लगाऊंगा। और गार्डन के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे जितना जो भी करो, कुछ ना कुछ काम डेली का डेली, 1-2 घंटा डेली लगता है। ऐसा नहीं कि है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो आज मैंने सीड 2-3 दिन हुआ सीड लगाया था, और सीड जब नेट हो गए 5 डेज में, कम से कम 5 डेज ही लगे होंगे शायद, याद नहीं है, 2-4 दिन पहले लगाया था और जब नेट हो गए, तो उसको मैं इसमें लगाऊंगा। और इसको मैं बेल के रूप में बना के, ये बेल ही होता है, आप अगर उससे पूनिंग करते रहें तो मोटी भी हो जाती इसकी। और इसको हम लोग लगाएंगे और गेट पे चढ़ाएंगे। इसको मैंने बनाया है गेट, आप लोग अगर वीडियो रेगुलर हमारा देखते हैं तो आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखें तो जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो मैं 2 पॉट में लगा रहा हूँ अपराजिता, 3 प्लांट उसमें लगा दिया हूँ और 3 प्लांट में इसमें लगाऊंगा। और इसको दोनों तरफ रख दूंगा, जो कि गेट पे दोनों तरफ से चढ़ेगा तो जल्दी भर जाएगा। और इस वक्त तो डेली बारिश हो रही है, तो प्लांट बहुत ही अच्छे और जल्दी लग जाते हैं। कोई प्लांट लेके आओ, लगा दो, बहुत आराम से चल जाता है, और उसकी पत्ती भी नहीं सूखती, आराम से बहुत अच्छे चल जाता है। और बारिश का पानी की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि हमारा सारा फर्टिलाइज़र जो हम लोग डालते हैं सब निकल जाता है, और लेकिन पौधों की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो इस प्लांटर को मैं यहीं पर रखूँगा, और वो जो साइड में देखिए प्लांट रखा है, मुझे जीभ दिखा के बिरा रहा है, इसको मैं बताऊँगा बाद में। और ये प्लांट यहाँ रखूँगा, देखो अभी भी बाहर जीभ इसकी बाहर ही है। और ये यहाँ पे मैंने गेट देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए ये वाला गेट है, इसी पे मैं इस बेल को चढ़ा दूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं नर्सरी गया था तो वहाँ से डेफनवासिया का दूसरा प्लांट लेके आया हूँ। मेरे पास एक प्लांट पहले से है, वो दूसरे कलर का है, इसकी पत्तियाँ दूसरी कलर की हैं, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आया, तो इसको मैं लगा दूँ। और देखिए इसकी मैंने मिट्टी सारी निकाल दी है, और मैं इस छोटे से पॉट में लगाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जड़ नहीं होती, बहुत आराम से ग्रो हो जाता है छोटे ही प्लांट में, और ज़्यादा वाटर की भी ज़रूरत इसको नहीं होती है, आराम से छोटे से पॉट में चलता रहता है। मान के लिए 8 इंच पॉट में चल जाएगा, अभी मैं छोटे से 6 इंच में लगा रहा हूँ, जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो इसको बड़े पॉट में, थोड़ा इसे बड़े पॉट में कर। तो ये सब करते करते मुझे 2-2.5 घंटे हो गए हैं, और मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, न्यू तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरह के न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय।